Identification of electrical car is green. Green. नाम क्या है? मैंने परवेज है। परवेज अहमद खान। परवेज खान। परवेज किसी और का भी नाम है ना? परवेज मुशर्रफ। अच्छा। उसका आज का डिस्कवरी पे बहुत दिखा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। राम राम सभी को। और अभी घर से शूट इसलिए नहीं किया कि कुछ फ्रेंड आ गए थे तो टाइम नहीं मिल पाया। वो थोड़ा उनके साथ सीधा फिर ये हमारे सलमान भाई कैब लेके आ गए, जब वो बुलेट वाली वीडियो में मुस्कुराहट वाले भाई तो ये सीधे कैब लेके आ गए तो टाइम नहीं मिला। फिर कैब थोड़ा ऐसे होते 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 निकले तो दिन से थे, अभी थोड़ा दिन भी छिप गया है। तो अभी हम निकल रहे हैं मुंबई सेंट्रल, वहाँ से हमारी 9 बजे रात को ट्रेन है और वहाँ से निकलेंगे हम राजकोट। तो राजकोट तो कल ही पहुँचेंगे, उसके बीच में जो भी होगा। ये देख अमित, ये वो इलेक्ट्रिकल कार बैटरी वाली, ग्रीन प्लेट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कार इज ग्रीन प्लेट। तो भाई अभी भूख भी लगी है, खाना भी लेना है भाई। लेना है ना, मना कर रहा है भाई, बोल रहा है ट्रेन में लेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, ऑनलाइन खाना खाएंगे। ये हमारे परवेज भाई हैं, ये भी गांव वाले मिल गए हमें, साथ में जा रहे हैं। तो बात करते करते पता चला ये भी अपनी तरफ के। आप पूछोगे कौन सा गांव, वो कभी फुर्सत में बताएंगे हम कौन सा गांव। गांव की स्टोरी बाद में, कभी शायद मौका मिला तो अपनी बायोग्राफी बता देंगे कहाँ पे। बताओ मारुति सुजुकी सेलेरियो 1.5 साल में ये ब्रेकर पर टच हो रही है और ये बच गई। अभी स्लो निकाला तो टच नहीं हुई है, लेकिन सेलेरियो भाई मर्सिडीज से भी नीचे गाड़ी हो गई है। अभी गोवा वाला सलमान भाई लखपत के बाद ही जा रहे हो? लखपत के बाद ही, गुजरात में नहीं कहीं भी? लखपत के बाद कहीं गए हो? गए हो ना गाँव अपने लॉकडाउन? कितना लंबा गए सलमान भाई लॉकडाउन में? 3 महीने? पूरे तीन महीने। 3 महीने तक गांव में। मैंने तो क्रिकेट खेला, कबड्डी खेला, मैंने तो गांव में जाके यही किया। अमित ने पता नहीं क्या किया। मैंने वॉलीबॉल बहुत खेली। तूने वॉलीबॉल खेली? और वॉलीबॉल तो मैं जब इधर ये डेली के दो तीन मैच। वॉलीबॉल लास्ट में खेला यार मैं, पहले तो बस वो कबड्डी और क्रिकेट में रह गया, फिर बाद में लास्ट का कुछ 20 दिन वॉलीबॉल खेला। कबड्डी में दही तोड़वाने की कभी सोच ही नहीं है मैंने। सोना है यार। क्यों सोना है? अरे यार, जिंदगी सोने में ही गुजार दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार? स्टेशन लगाने भाई। वो भी लगा देंगे। सुबह ट्रेन कितने बजे पहुंचा रही है आपको? 9:30 ना? 9:30 ना, तो 9:20 तक सोते रहना, 9 बजे तक 20 पर पहुंचेंगे। उसके बाद भी वहां से फिर एक और जगह जाना है 80 किलोमीटर और दो। 65 किलोमीटर। लेकिन वो सस्पेंस रहेगा, वो वीडियो में आगे बताऊंगा कि राजकोट से आगे कहाँ जाने वाले हैं। सस्पेंस को बनाए रखिए, बरकरार रखिए, कुछ कह रहे हैं जुड़े हुए हैं। तो मास्क लगा ले रहे हैं, इधर चालान काट देंगे। नहीं तो भाई यार, इनके तो लगे हुए नहीं, पर हम तो लगा रहे हैं, पैसेंजर आदमी है। चलो मुंबई सेंट्रल आ गए भाई स्टेशन। यहाँ पे एक और हमको सर मिलेंगे, उनको ज्वाइन करना अपने को। उसके बाद एक भाई है गाँव का है, इधर मुंबई सेंट्रल कैंटीन में ही काम करता है, तो उधर से खाना वाना खाएंगे, जो भी पार्सल लेना वो पार्सल लेंगे। और अभी कोई देख नहीं रहा तो मास्क नीचे करके बोल लेता हूँ। और उसके बाद फिर ट्रेन तो 9 बजे है और अभी तो 7 बजे हैं भाई, बहुत टाइम है, मतलब हम बहुत जल्दी आ गए। एक बार पहले मैं दिल्ली गया था तब भी ऐसे जल्दी आ गया था, 2 घंटे इधर बैठा रहा। इस बार भी सेम टाइम, 2 घंटे फिर बैठना है। और अब देखो 2 घंटे बैठे रहेंगे इधर, उसी के पास बैठता हूँ फिर मैं कैंटीन में जाके, इन भाई लोगों को सबको लेके जाएगा, उधर ही बैठते हैं, कुछ खाते हैं, भूख भी लगी हुई है, थोड़ा खा लेंगे, डिनर करेंगे रात को 10 बजे के करीब, तो वो पार्सल ले लेंगे हम लोग।
तो ऐसे ही करके निकलते हैं फिर, बाकी आगे बने रहो। देखो ना ना ना, हाथ में पकड़ने वाली बात अलग ही रहती है ना ऐसे। और बाबा जी पूजा कर रहे हैं मुझे, अनजी लगे हैं। ये लास्ट टाइम मैं इधर आया था, ब्लॉग में आपने देखा होगा, ओपन हो गई है कैंटीन, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हुआ है। अब देखो पहले से तो नॉर्मल है लोग, ठीक है, अभी चीज़ें बदल रही हैं फिर से। खाना इधर ही खाएंगे, क्योंकि रात में अगर 9 बजे करीब ट्रेन में बैठे, फिर वहाँ पे अगर ऑनलाइन भी ऑर्डर किया, नेक्स्ट किसी स्टेशन पे आएगा खाना, तो फिर वहाँ खाने का मतलब ये है कि 11-12 बजे खाना। और ट्रेन में खाने का मतलब ये है कि वो ट्रेन में थोड़ा जमता नहीं है अभी इस टाइम पे, थोड़ा इधर गया है अभी, थोड़ा सही मिल जाएगा। तो सलमान भाई क्या खाने वाले हो बेस्ट खाली? और भाई लौंडे तू लौंडा दिखा रहा हूँ, लौंडा तो ये तो हर जगह रहता ही है। और ये स्माइल वाले भाई स्माइल करते हैं एक बार, ये अलग अलग ही क्षेत्र के आदमी हैं ये। चलो भाई खाना खा लिया, एकदम फर्स्ट क्लास खाना, बहुत खाने। चलो उठो भाई, कितना हुआ? ना ना ना, ले ले, देखो हर बार निकलता पता। अब ये वो क्या कहते हैं, घोड़ा कहाँ से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। चलो भाई हो गया। फाइनली आ गए राजकोट हम लोग, और अंदर थोड़ी चेकिंग हुई थी, मतलब ड्रिंक तो नहीं लेके आए हम, मतलब दारू वारू का बोतल वोतल उसके चक्कर में अंदर से मैं बोल नहीं पाया। कैमरा वैमरा रखने को बोला कि पहले चेक कराओ, अब उसके बाद में अब गाड़ी भी आ गई है, सामान भी लोड हो गया है। अब यहाँ से निकलने वाले हम भादर डैम। तो जो मैं बोल रहा था कि राजकोट से भी जाएंगे तो वो भी कुछ 65 किलोमीटर तो हम जाएंगे भादर। तो अभी यार निकलते हैं उधर, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आपसे। तो अभी गाड़ी में बैठे हैं ये हमारे मुकेश भाई हैं, ये हमको अब भादर लेके जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे उधर। और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, बाकी जो और मेरे साथ वाले हैं वो उधर पहुंच चुके हैं, गाड़ी पे जाऊँ उनको खाना है। तो मैं थोड़ा अंदर की तरफ गया था फास्ट फूड क्या क्या मिलेगा उधर खाने में? फाफड़ा गाठिया सब कुछ मिलेगा। फाफड़ा गाठिया क्यों कर रहा है? बोल रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। कोई नहीं, काट दो उठाओ, मैं तभी पहुंच जाएंगे। इधर ही है क्या? हाँ ये कॉल कर रहा है ना कान पर लगा के। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं फिर मिलते हैं आपसे, बाकी बातें बाद में करते हैं, अभी भादर पहुंचने में भी टाइम है, थोड़ा लेट भी हो रहे हैं। ओके पहले खा लेते हैं कुछ, सुबह हो गई है। सलमान भाई घोड़ा खिला दो हमें भी यार। गुजराती में क्या बोलते मुकेश भाई इसको? ये जो चना सा है ये उसको चना बोलते हैं नहीं, और चना तो पकने के बाद ना, इसे जीजा बोलते हैं। जीजा? जिंजरा बोलते हैं। ये पहुंच गए और ये छोटे छोटे कमरे मिलेंगे। पूरे पे हमारा राज है क्या? पूरे पे हमारा राज? राज तो सिमरन का है भाई, राज हमारा कैसे हो जाएगा? चलो हेलो ये देखो नए दोस्त मिले इधर। हेलो, देखने में खतरनाक लग रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि बताया कि डैम पे पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, फ्रेश हो गए, नहा धो के इधर आके थोड़ा देर बैठा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्लीट हो गया व्लॉग। तो भाई राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने का। और
सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इंस्टाग्राम पे। मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ, इसमें भी फिर भी बोल रहा हूँ कि फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे पेज भी है मरीन बाइकर गौरव से, वहाँ भी लाइक कर लो, उसका भी लिंक दिया है मैंने। तो प्लीज़ कर लो सब्सक्राइब, लाइक कर लो, जितना भी लाइक करो सब्सक्राइब करो और करा दो जो भी करना है, आप बस आपके ऊपर है। बाकी शेयर कर देना और कमेंट भी करना कैसा लग रहा है जगह, और इसके जगह के बारे में और जो भी जानना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। आप कमेंट करोगे तो भी अच्छे से बताऊंगा, नहीं करोगे तो भी बताऊंगा। तो जैसे कि लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा देख लो और कंप्लीट। भाई राम राम, जय हिंद जय भारत।